नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचपी 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंशुली त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। आजीविका मिशन के ब्लॉक सहायक प्रबंधक आनंद शिखा मौर्य पर ग्रामीण महिलाओं ने लगाया पैसे मांगने का आरोप। नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा से की लिखित शिकायत। मध्य प्रदेश सरकार ने भले ही ग्रामीण दीदियों को लखपति दीदी नाम भले ही दे दिया हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में दीदियों की क्या स्थिति है ये धरातल पर पहुँच कर देखी जा सकती है। दीदी मजदूरी कर जैसे तैसे अपने परिवार का पालन कर रही है और कहीं दीदी आज भी शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए दर दर चक्कर काट रही है, लेकिन आजीविका योजना का लाभ नहीं मिला है। किसी को कुछ दिन मिला है तो वो जिम्मेदार अधिकारी से तंग आकर योजना से हट चुकी हैं। ऐसा एक गांव का मामला नहीं है, ऐसा नरसिंहगढ़ ब्लॉक के कई गांव हैं जिसमें महिलाएं आज भी योजनाओं से कोसों दूर हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में संचालित आजीविका मिशन की। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ में संचालित आजीविका मिशन के ब्लॉक सहायक प्रबंधक आनंद शिखा मौर्य से परेशान ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा को लिखित शिकायत पत्र देकर आनंद शिखा मौर्य पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मिशन से हटाने की मांग भी की गई। आपको बता दें कि महिलाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि ब्लॉक सहायक प्रबंधक आनंद शिखा मौर्य समूह के खाते में शासन से आने वाली राशि से 50% कमीशन मांगती हैं। साथ ही ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर परेशान ग्रामीण क्षेत्र की महिला जो कि ग्राम काचीपुरा, बड़ोदिया तालाब, श्यामपुरा, रामगढ़, शंकरपुरा, मंडावर एवं अन्य कई गाँव की महिलाएं प्रताड़ित हैं। इधर ब्लॉक सहायक प्रबंधक आनंद शिखा मौर्य ने कहा कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। मैंने किसी से कोई पैसे की मांग नहीं की है और ना ही आज तक किसी की किसी काम के लिए दबाव डाला है। ये जो आरोप लगाया गया है गलत है। मैं हमेशा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हूँ और कई गाँव में महिलाओं को बहुत लाभ मिला है और अच्छा काम कर रही हैं। देखिए पूरी खबर, मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। 100-150 महिला और हैगी मेरी जो NRL में हम काम करते हैं, बैंक सखी हूँ मैं बड़ोदिया तालाब से, और उसके बाद में जो CIF का पैसा डलता है तो मेरी महिला और से 3-4 लाख रुपए पैसा डलता है। तो उसमें से जो अनंत सिंह का मौर्य है वो कहती कि ये अनंत सिंह का मौर्य मैडम किस पद पे ये है, क्या बोलते ब्लॉक ब्लॉक प्रबंधक, हाँ ब्लॉक प्रबंधक है पर ब्लॉक प्रबंधक से नीचे हैं। तो उन्होंने मेरी महिला और अभी गई थी तो उनसे हमने की कि मुझे 1 लाख रुपये तो जब जाके पैसे डालेंगे करके, तो हम ये चाहते हैं कि वो इस पद पे नहीं रहने करते। जब महिला और की इतनी परेशानी, उन्होंने बहुत हानि कर दी, बहुत सारे समूह और से उन्होंने पैसे लिए हैं। देखो हम पैसे नहीं देना चाहते क्योंकि हम गरीब महिला और कहाँ से ला कर देंगे पैसे इतने। हम तो ये चाहते हैं कि इनको हटाया जाए। विदाई जी के पास में भी हम 4-5 बार चले गए हैं। शासन द्वारा क्या क्या योजना दी जाती है? शासन द्वारा जैसे कि महिला और को रोजगार दिया जाता है, उसके बाद में क्या बोलते जो पापड़ अचार का इनका पैसा आता है सब समूह के खाते में आता है, उसके बाद में सरकार 4-5 लाख रुपए डालती है समूह के लिए कि कोई भी बिजनेस महिला हो। अच्छा, एक समूह के लिए? हाँ, तो खोल ले और खोलने के बाद में महिला हो यानी एक्टिव हो जाए। जैसे लखपति दीदी वाला है, लखपति दीदी से अब हम कहा लखपति दीदी, हमें तो रोडपति दीदी कर दिया उन्होंने, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं रहा। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो देखिए मोदी जी ने हमें तो आगे बढ़ाया, क्या बोलते लाडली बहना बनाया और इन लोगों ने हमें गरीब बहना बना दिया। अच्छा, आजीविका मिशन वाले अधिकारी हैं? सरकार को काफी बजट देती है, सरकार बहुत सारा काम करती है, लेकिन अंशिका मैडम हाँ आधा पैसा ही, मतलब जो ऊपर के अधिकारी रहते हैं वो चाहते हैं कि हमें मिले कुछ, गरीब महिलाओं को कुछ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हमें सारे ग्रुप से हटा दिया गया है। यानी कि धरातल पर जो योजना चल नहीं रही, कार्यों में चल रही होगा। हाँ, सरकार तो बजट दे रही है लेकिन ये जेब में जा रही है। हाँ, इनके जेब में जा रहा है। जैसे मान लो विधायक जी के कार्रवाई के लिए आपने आवेदन दिया, और कहाँ कहाँ शिकायत करेंगे आप? सर हम तो देखो भोपाल भी जाएंगे, CO सर के पास में भी जाएंगे, राजगढ़ भी जाएंगे, कलेक्टर के पास में भी जाएंगे। यानी कि मैडम हटाने की मांग है? बिल्कुल, हम हटाने की मांग, हटाना है। अभी तो हम 2 महिला दिख रहे हैं, अब इससे हम 5,000 महिला भी हो सकती है। देखो हम में तो बहुत बड़ी एकता है सर, और हमारी महिला और ऐसी नहीं है कि यानी कि जो हमने कह दी है वो काम नहीं करेगी सर। यानी कि मैडम को हटाना अनिवार्य? बिल्कुल हटाना है। देखो ये सब तो झूठा आरोप है, मैंने अभी तक कोई किसी से पैसे मांगे भी नहीं है और ना ही मैंने कभी किसी से 1 रुपया लिया है। इनका आरोप है कि जो शासन द्वारा जो राशि लगती है समूह में उनसे आप 50% का हिस्सा मांगते हैं, इसके बाद कई योजना जो धरातल पर नहीं चलती तो कागजी भी चल रही, क्या सही है? नहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल सब झूठा है। जो गाँव में कितने संगठन चल रहे हैं पूरे तहसील में आपके? पूरे तहसील में मैं तो अपने एरिया के बता सकती हूँ। आपके एरिया कहाँ से कहाँ तक? मेरा एरिया अभी मंडावर है और नरसिंहगढ़ है। इसमें कितने संगठन हैं? कम से कम 60 ग्राम संगठन। क्या क्या योजना का लाभ मिल रहा है महिला को? जो भी जो मिशन के माध्यम से दिया जाता है, एक दो ऐसा कुछ सिलाई का काम है, फिर अपना
ये उचित मूल्य की दुकान का काम है, डेयरी का काम है, सारे काम महिलाएं कर रही हैं। चल रहा है ये काम थोड़ा अभी आखेड़ी कला में चल रहा है, मेरा गांव है।